टॉपर के स्थान में प्राप्त किया है, 96.80 पॉइंट हासिल अंक प्राप्त किया है। प्रीति हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, कैसी कोशिश रही, किस तरह से आपका जो पढ़ाई में मन रहा और आज टॉपर पहुंची हैं आप? जी, मैं मतलब लक्ष्य बना के चली थी कि मुझे इतना लाना है, उसी के हिसाब से मैंने मेहनत की और मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर मिस्टर ईश्वरलाल देवदास सर और मेरी सब्जेक्ट टीचर राठौर मैम, उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा हम मुझे सपोर्ट किया और मतलब मुझे मोटिवेट किया कि ऐसे ऐसा पढ़ना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तभी जाकर आज मैंने ये सफलता हासिल की। देखा जाता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की लगातार स्टूडेंट सफलता प्राप्त करते, लेकिन शासकीय स्कूल होने के बाद भी प्रीति ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की। प्रीति, सबसे पहले पता कैसे चला आपको? जी सर, कहाँ से चला? सर ने बताया। इतनी खुशी हुई आपको? बहुत ज़्यादा कि मुझे रोना आ गया। देख सकते हैं प्रीति की आंखों में आंसू अभी भी बता रहे हैं। उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद है। आप क्या काम करते हैं? हम मिस्त्री काम करते हैं, मकान वाले। आपकी बेटी ने पूरे प्रदेश भर में तृतीय स्थान प्राप्त किया, कितनी खुशी हो रही है? खुशी बहुत बहुत जोर से हुआ भैया, वही खुशी है। अभी भी आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं? आंसू तो आएगा, खुशी का आंसू है। उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है। कहाँ बनाना चाहता आपके बेटी लागे, क्या पढ़वाना चाहा? अपन आगे पढ़ा है, खुशी भी है। अब खेती किसानी मजबूत कर थन, पढ़ा था, अपन पढ़ सकता आगे पढ़ा। देख सकते हैं माँ बाप भले ही पढ़ नहीं पाते, लेकिन बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं और उन्हीं का नतीजा बच्चे को सपना कर दिखाते हैं और तृतीय स्थान प्राप्ति की। प्रीति ने शासकीय स्कूल में पढ़ने के बाद भी प्रदेश में तृतीय स्थान हासिल कर पाना एक बड़ी कामयाबी है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार।